आज है हमारे साथ उज़ैर जसवाल एंड लेट्स फाइंड आउट कि उनका जर्नी अभी तक कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कराची में क्या इतनी सर्दी छोड़ के आप आए यहाँ पे? But I'm still wearing a jacket. वो तो स्टाइल है ना, चलेगा। करना बट क्या वो मिस कर रहे हैं या अच्छा लग रहा है कराची में? ऑलमोस्ट नो सर्दी। कराची इज ऑलवेज अ ग्रेट, आई मीन मैं हमेशा थोड़े टाइम के लिए आता हूँ, आता जाता रहता हूँ, तो इट्स ऑलवेज अ फन प्लेस टू बी एट। नाउ तो माई ब्रदर इज ऑल्सो हेयर, उमेर भाई लिव्स हेयर, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हेयर एंड आई रियली एंजॉय इट। ऑब्वियसली इस्लामाबाद का मौसम याद आ रहा है, लेकिन मैंने सुना आप ढेर सारी जैकेट्स पैक करके लाए थे। यस, मेरे से ही सुना है आपने। अब ये थोड़ी मैं बता रही हूँ किससे सुने, बस सुना, मेरे से ही सुना। मैं कराची आ रहे थे, मैं ये सोच रही हूँ, मैंने सोचा रात को तो ठंड होगी कराची में, गलती होगी, वो भी जैकेट्स वाली। मैंने सोचा रात को, अच्छा आई थिंक इनको भी धोखा हो गया, हम सब में से स्टाइल में जैकेट पहनते हैं। नहीं, वही मैं सोच रहा था कि जबरदस्ती विंटर शॉपिंग तो सब करते हैं, इंस्टाग्राम पे तो सभी लगाते हैं, बट आई गेस स्टाइल, एसी ऑन करके जैकेट पहन के फिर उतार चेंज कर लेते हैं। एसी अभी भी लगा हुआ है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माशाल्लाह से 6 भाई 1 बहन, बिल्कुल बड़ी फैमिली। या तो एंड आप बीच में सेकंड लास्ट आपसे छोटा एक भाई है, एक छोटा है। तो क्या था, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है जब इतने ज्यादा बहन भाई हो तो या तो आप बड़े सबमिसिव हो जाते हैं या आप सर्वाइवर बन जाते हैं, आपके साथ क्या हुआ? फॉर सम रीजन आई वाज ऑलवेज वेरी, बचपन से ही जरा अम्मी का भी लाडला था और पैम्पर्ड भी ज्यादा था, इवन दो आई वाज नॉट द यंगेस्ट बट आई वाज ऑलवेज ट्रीटेड लाइक द यंगेस्ट, इवन दो यंगेस्ट को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, बट ये तो उससे पूछना चाहिए बेचारे से, अब आपकी बातों से लग रहा है शायद वो जरा क्वाइट सा था, तो वो ही इज ऑलवेज इनटू वो अपनी पढ़ाई में और फुटबॉल देखता था एंड बस, किसी से मिलता भी नहीं था। वो वाला था कि मेहमान आते थे तो कमरे में चला जाता था, एंड आई वाज द वन कि मेहमान आते थे तो सबसे पहले बैठा होता था, जी आंटी क्या हाल है, खा भी रहा होता था, यू नो मुझे कहता है कि मेहमानों के जाने के बाद खाना मैं पहले खा लेता था, सो आई वाज ऑलवेज लाइक एक्साइटेड टू टॉक टू न्यू पीपल एंड एक्सट्रोवर्ट and always enjoying whatever was thrown at me. तो बड़ा मज़े का बचपन गुजरा है बड़े बहन भाइयों के साथ। My sister is the eldest. She lives in England. She got married when I was really young. तो उनके साथ ज़रा teen years मेरे और बाकी बड़े होते रहे कम गुजरे, तो उनके साथ एक वो बड़ा मेरा formal थोड़ा सा relationship है, but बाकी है कि भाइयों के साथ obviously बड़ों वालों से ज़्यादा डर लगता है, but उमेर भाई के साथ काफ़ी चिल सीन है, उनके साथ बड़ी अच्छी गप है एंड छोटे के साथ भी, बट देयर ऑल वी हैड अ वेरी, मतलब जिस तरह भाइयों का फन चाइल्डहुड होता है, रेसलिंग करते हुए, एक दूसरे के ऊपर छलांगे मारते हुए, दीवारें टापते हुए, मुझे लगता है बड़ा ही, हाँ लेकिन उस वक्त के लिए फन होता है, काम करो मेरा ये करो वरना यू नो रफ होता है। या बिल्कुल होता है, तो वो एंजॉयबल होता है दैट एज, ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन एट दैट टाइम, मैं अब अगर उनके बारे में सोचूं तो मैं नहीं कर सकता, लाइक मैं बिल्कुल ना, मैं अब उस तरह, हम टेरेस से मतलब हम वैसे ही भागते भागते दीवारों पे चढ़ जाते थे या दरख्तों पे चढ़ के लोकार्ड तोड़ते थे या यू नो पूरे दिन खेलते रहते थे, स्केटबोर्डिंग करते थे, मैं तो स्केटबोर्ड पे खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरा बैलेंस ही आउट हो जाता है। विद 6 ब्रदर्स अराउंड वी ऑलवेज हैड गुड कंपनी, रूम्स हम शेयर करते थे ऑब्वियसली बचपन में, तो वो एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर भी करना, पोस्टर्स लगाना, एक ने पोस्टर लगा दिया आपको वो बंदा नहीं, आर्टिस्ट नहीं पसंद तो फाड़ देना, यू नो इस तरह की सारी चीजें की हुई हैं, बहुत फटे होते थे, अभी तक होते हैं, लाइक अगर या काफी माशाल्लाह से मैं यासिर भाई की कभी टी शर्ट पहन के निकल जाऊँ या जैकेट पहन के निकल जाऊँ पीछे से फोन आ जाता है, हालांकि इज अ फादर ऑफ माशाल्लाह 3 बॉयज नाउ, 3 किड्स, अपनी जितनी भी चीजें अलमारी में ना उनकी चीज मुझे पसंद होती है, तो मैं ऐसे ही निकलते हुए उनकी अलमारी खोल लूंगा एंड मैं देखूंगा मैं आज क्या पहन सकता हूँ, यू नो बिकॉज अपनी चीज़ें रिपीट भी कर चुका होता है ना बंदा, तो उनकी चीज़ें जरा नई लगती हैं कि नया वार्डरोब आया, तो अभी भी डांट काफ़ी पड़ती है, लेकिन आई एंजॉय इट यार, आई मीन आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैड अ लवली चाइल्डहुड एंड फुल ऑफ म्यूजिक, फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। बट ये सब बहन भाइयों में से, बहन तो आपकी एक ही, सारे भाइयों में से सबसे ज्यादा रोब कौन जमाता था, सबसे ज्यादा कौन कौन सबका कहते ये काम करो या ये इस शरारत का, मुझसे कोई नहीं काम करा सकता था। अच्छा, मेरे से मेरे साथ जरा डिफरेंट रिलेशनशिप था, बड़ा प्यार वाला था, वो काम वाला इतना नहीं होता था, आई थिंक मुझे सबसे छोटा ना बेचारा वो, मतलब आप भी उस वाली टीम में शामिल है जो छोटे के ऊपर, वो बेचारा अब तो ही लिव्स अब्रॉड,
ही वेंट फॉर हिज मास्टर्स एंड उसके बाद वो उधर ही है. तो बट जब तक वो घर पे होता था ही वाज द वन जिसको रात को फोन आता था कि दरवाजा खोल दो, वो भी दरवाजा भी खोल रहा था, पानी ला दो. हम भी तंग करते थे. वो बेचारा जब चला गया पढ़ने तो कहता यार एटलीस्ट तुम लोगों के लिए दरवाजा तो नहीं मुझे रात को खोलना पड़ेगा. तो ही वॉज द वन जिसपे, लेकिन सब पे सबसे ज्यादा अभी भी रोब, जो सबसे बड़े भाई हैं उनका ऑब्वियसली उनसे डर लगता है. तो ही इज द सबसे रोबदार. हाउ डू यू थिंक जब इतने भाई हो या बहन भाई ज्यादा हो तो आपकी पर्सनालिटी को कैसे शेप करते हैं इफ यू लुक बैक? आई थिंक बड़ी फैमिली में बड़ी फैमिली हो वाइल ग्रोइंग अप उसका ये फायदा होता है कि यू नो आप आसानी से इजीली लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. आपको आदत होती है कि यू नो हर मोमेंट आप इंजॉय करते हैं, छोटे से छोटा मोमेंट आप इंजॉय करते हैं. यू डोंट लुक फॉर थिंग्स गो आउट ऑफ योर वे टू यू नो टू इंजॉय और टू फाइंड हैप्पीनेस और फाइंड समथिंग दैट वुड ब्रिंग यू दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस. हमें बचपन से ही आपस में ही रहने का शौक था, आपस में ही खेलते थे, आपस में ही कजन्स भी आ जाते थे अम्मी अबू के साथ भी, फिर चाचू मामू खाला ताया. सो हमें बस बड़ा इन्जॉयबल एक आपका थिंक बचपन गुजरा हो तो उसकी वजह से आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट हो जाती है. When you easily adjust हो जाते हैं. I feel like हाँ, I feel like I'm a, I don't think I'm over confident, but I think I'm pretty confident when I want to present myself somewhere, when I talk, when I want to talk to someone, या मैं कहीं जाऊँ और मुझे कुछ भी करना हो ज़िंदगी में काम, even on stage. मुझे लोग पूछते हैं कितनी दफ़ा कि यार आप nervous नहीं होते या don't your nerves take over you? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार होता हूँ बट आई इन्जॉय दोज नर्व्स. यू नो मुझे मज़ा आता है कि वो जो जिटरी फीलिंग होती है यू नो नर्वसनेस से ये फ़ायदा तो यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज, यू आर एक्साइटेड, तो वो मज़ा आता है उसका भी. एक अगर नर्वस नहीं हो रहे, एक्साइटेड नहीं हो रहे तो यू नो फिर आप कहते हो यार मज़ा नहीं आ रहा है इस चीज़ में. यू नो आई थिंक वो ये भी होता है कि आप मे बी ओवर कॉन्फिडेंट भी जाते हैं कभी कभी. हाँ, थोड़ा सा आप उस पर चल रहे होते हैं तो आप ग्राउंडेड भी रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल या तो वो फैमिली बड़े भाइयों का होने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप ग्राउंडेड रहते हो. वो हमेशा आप पे चेक रखते हैं. देखिए वो चेक कर नहीं, सीधा रखते हैं. अच्छा मैं सुन रही थी तो बड़े मज़े की मुझे बात लगी. आपने कहा कि वो एक परफ्यूम भी आता था तो छः लोग और छः लोगों के दो दो दोस्त 12 लोग यूज़ कर रहे होते थे शर्ट भी और यू नो फ्रिज में भी कोई कुछ चीज़, होता कोई था चीज़, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल. तो कोई वाकया सुना है हमें कभी कुछ हुआ हो ऐसा मज़े का और उस पर झगड़ा हुआ हो या आप या किसी भाई ने कुछ रखा हो आप उठा के ले गए या आपने कुछ किया वो गायब हो गया कोई बचपन का? तो बहुत है बट वो ऐसी ऐसी चीज़ें ना कि वो देर सो फनी बट मे बी वो कुछ चीज़ें आप सोचते हो कि सबको फ़नी लगेगी लेकिन वो सिर्फ आपके घर वालों को ही फ़नी लगती है बिकॉज हम उस पर इतना हंसते हैं. तो इस तरह की तो बहुत चीज़ें हैं. लाइक वो मैं जिस तरह आपने ये बात भी किया तो मेरे माई बाबा ऑलवेज यूज टू से कि यार जब हम घर बना रहे थे तो हमेशा यही कहते थे कि यार क्या ज़रूरत है इतने कमरे बनाने की ना, एक ही कमरा बनाते हैं, इधर ही तुम लोग सब वैसे भी इधर ही खाना खाते हो, इधर ही सोते हो, यही बाथरूम यूज़ करते हो. तो वो हमेशा यही कहते थे कि यू नो नीड एनीथिंग एल्स. तो वही बात है कि शेयरिंग की तो इतनी आदत हो गई भी है लेकिन उस वक्त तो चिड़चिड़ती है. मैं अगर अपना बचपन याद करूँ तो हाँ काफ़ी बहन बहुत आई फील लाइक मैं बड़ा अच्छा इस लिहाज से हो गया हूँ कि मैं अब फिक्र नहीं करता है. नहीं, अब नहीं, हम तो इतने साल पहले की बात करें, हमें पता होता था ये फ्रिज में चॉकलेट रखी है तो ये नहीं रख सकती, ये भाई अपनी खा लो इस वक्त वरना गए. नहीं टच नहीं करनी, नहीं रख नहीं सकते, बचनी भी नहीं है, वो बचेगी नहीं, तो खा लो इसी वक्त इफ यू वांट दैट चॉकलेट. ऐसे